बहुत सारे काम किए नरेश यादव ने, पूरा ढाणा खुर्द चमका दिया, हाँसी को काशी बना देगा, सब कुछ किया है नरेश यादव ने, और महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है। किस प्रकार की चर्चा फैल रही है? उसकी गुणा की फैल रही है, गुणा इधर के गुण है, गुण क्या है? सारे गुण कर रखे हैं, अच्छे काम करे, अच्छे काम कर रखे, बहुत कर रखे, नरकटा जान लग रहा है और करेगा, विश्वास है। दम क्या जी, वो तो पूरे अपने इंडिया में नाम गुंजा हुआ उनका, तो इंडिया में गुंजा दिया, हाँसी को काशी बना रहे हैं वो जी, बिल्कुल। ये लोगों का और जनता का प्यार है और टीम नरेश का और हल्का हाँसी का यही लक्ष्य है कि वो नरेश यादव को विधायक देखना चाहते हो, बनाकर ही छोड़ो। चाची ताई कट्ठी ओलो, चाची ताई कट्ठी ओलो, नरेश यादव ने बुलाए से, नरेश यादव ने बुलाया से, कट्ठी हो के हंसी जालो, कट्ठी हो के हंसी जालो, फुआरा चौके पे बुलाया से। काफी कुछ सहा है 10 साल के शासन में लोगों ने, भ्रष्टाचार, किडनैपिंग, किसानों पे लाठी चार्ज, कर्मचारियों का वेतन जो सब मारा गया है, उससे लोग बहुत दुखी हुए, आहत हुए हैं, तो अब हिसाब मांगने का टाइम आ गया है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया है, हरियाणा मांगे हिसाब, उससे जन जन तक ये आवाज़ जाएगी तो लोग पहुंचेंगे वहां पर, उस अभियान से जुड़ेंगे और अपने अधिकारों को जानेंगे जी। बढ़िया है, एकदम बढ़िया जी, अभी बढ़िया नहीं है लेकिन काम बढ़ने से भी बैद कर रहा है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही, गांव गंगनखेड़ी में पहुंचे हैं। और यहां क्यों पहुंचे कि आप ये मेरे पीछे पूरी की पूरी एक जो सभा जो है वो यहां जुड़ी हुई है, महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंची है, किस वजह से महिलाएं पहुंची है, क्या उनका यहां आने का रीज़न है, बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो माहौल है वो ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति विशेष के प्रति और एक पार्टी के प्रति जो है एक बड़ा जोश का लग रहा है। महिलाएं जो तालियां बजा रही हैं, पगड़ी पहनाकर जो है वहाँ और फूल मालाओं के साथ यहाँ स्वागत किया जा रहा है, क्या रीज़न है, किस वजह से जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, लेकिन महिलाओं का जो जोश है, और जब महिलाएं जब किसी एक व्यक्ति के साथ, किसी भी शख्स के साथ जुड़ जाती हैं, किसी कार्य को ठान लेती हैं, तो वो कार्य जो है वो बहुत जल्दी सिरे चढ़ जाता है। चलिए पूरी डिटेल से जानते हैं, जुड़े रहें इस वीडियो के आखिर तक। गांव की पंचायत है और बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति जो है वो बड़ी एक कहें कि जोश के साथ यहाँ जुड़ी हुई। देखिए गले में जो फूलमालाएं हैं, सर के ऊपर पगड़ी है जी। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते। गंगनखेड़ी गांव में पहुंच चुके हैं जी, मैं जब उधर से मैंने प्रवेश किया, मैंने पूछा वहां से कि कोई यहां टीम आई हुई है, उन्होंने तो सिर्फ एक नाम ले दिया कि टीम नरेश यादव आई हुई है जी, और बोले कि वो यहां तक छोड़ के गए, बोले यहां तक आई हुई, पूरी पहचान जो है वो टीम नरेश की जो गाँव गाँव हो चुकी है जी। देखो टीम नरेश मेहनत कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये देखो जन जन तक आवाज़ जानी भी चाहिए, जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया है, हरियाणा मांगे हिसाब, उससे जन जन तक ये आवाज़ जाएगी तो लोग पहुंचेंगे वहां पर, उस अभियान से जुड़ेंगे और अपने अधिकारों को जानेंगे। अब लग रहा है कि जो समय आ चुका है कि जो कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा से इतना जो एक लंबा समय जो बीत चुका है, इसका हिसाब मांगने का समय आ चुका है। जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ सहा है 10 साल के शासन में लोगों ने, भ्रष्टाचार, किडनैपिंग, किसानों पे लाठी चार्ज, कर्मचारियों का वेतन जो सब मारा गया है, उससे लोग बहुत दुखी हुए, आहत हुए हैं, तो अब हिसाब मांगने का टाइम आ गया है। अब जो है टीम नरेश जो है वो गांव-गांव जा रही है, चलो प्रोग्राम तो कल का है, लेकिन जो अब गांव-गांव जा रही है, लोगों को मिल रही है, किस प्रकार की समस्याएं जो है ग्रामीण आपसे जो है वो साझा करते हैं, किस प्रकार की समस्याएं आ रही है? जैसे लोगों ने बताया कि 5 साल तक उनकी कोई बूझ नहीं, कोई नेता राजनेता यहाँ आया नहीं है उनसे समस्याएं पूछने के लिए, उनकी गलियों की हालत बहुत खस्ता है, नालियों से पानी की निकासी नहीं हो रही है, जैसे आजकल मनरेगा के लिए भी उन्हें काम नहीं लग रहा है और जॉब कार्ड के भी लोग भटक रहे हैं। ये जो पगड़ी जो है ये आज आपके सर पे बन चुकी है, लेकिन जिस आपका जोश यहाँ लग रहा है ना, ऐसा ही प्रतीत होने लग गया कि ये पगड़ी जल्दी नरेश यादव के सर पे भी सज जाएगी। जी बिल्कुल, ये लोगों का और जनता का प्यार है और साम दाम दंड भेद से टीम नरेश का और हल्का हाँसी का यही लक्ष्य है कि वो नरेश यादव को विधायक देखना चाहते हो, बनाकर ही छोड़ो। अभी देखिए कितना एक प्रेम है उस एक शख्स के लिए, कितना एक प्रेम है, मैंने कुछ कहा ही नहीं, अपने आप तालियां बजा रहे, अपने आप नारे लगाने, कैसा लग रहा है जब इस प्रकार का प्रेम जब गांव-गांव जाके मिलता है? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है लोगों से इतना प्रेम जो मिल रहा है, और हम भी सोचते हैं रिटर्न में उनको उतना प्यार, और जो मूलभूत सुविधाएं इनको नहीं मिल रही हैं उनके लिए कुछ काम किया जाए, और इसके लिए टीम नरेश तन मन धन से इनके लिए काम कर रही है और करती रहेगी। यहाँ कितना के जो एक जो जन सैलाब है गंगनखेड़ी से, कितना जो है कल के आयोजन में रहने वाला है?
बिल्कुल जी, 100% जितनी माताएं आई हुई हैं इनके साथ बहुत शक्तियां हैं और ये टीम नरेश को मजबूती देंगी और कम से कम 5 या 6 बसें गगनखेड़ी से जाएंगी। जीत कितनी दूर लग रही है अब? बिल्कुल दूर नहीं लग रही जी, बिल्कुल पास लग रही है। पास आती जा रही है जी, बिल्कुल हम आश्वस्त है, जीत निश्चित है। ये एक और ये महिला है, तालियां बजा रही है। मैडम जी क्या नाम है आपका? जी सीमा जी। सीमा है, लेकिन जिस प्रकार का आप प्रेम दिखा रहे हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, लगातार जो सीमा है आपने खोल दी है सारी की सारी। जी सीमा होनी भी नहीं चाहिए, प्यार इतना है। किसके प्रति है प्यार? जी नरेश यादव के साथ। नरेश यादव, मिलने हो कभी आप उनसे? हाँ जी, बढ़िया है, एकदम बढ़िया जी। अभी बनया नहीं है लेकिन काम बनने से भी बैद कर रहा है, ताड़िया हो जाइए। यानी बना नहीं है लेकिन जो है पहले काम उसने कर, हाँ जी सब कुछ कर रखा जी, बन गया चमका रखा है, कोसा सारी चमकता जी, ताड़िया हो जाए। अपनी बातें खुद ही ताड़ी बजवा रही हैं ये। अच्छा अगर ऐसा बंदा बन गया तो फिर क्या करेगा? तो फिर पता नहीं जी, कुछ कुछ कर देंगे सारा ही। किस किस के लिए जोर लगा रखे इतना? नरेश के लिए जी। आपका मुंह में दांत नहीं है लेकिन आप आवाज पूरी की पूरी बोल रहे हो। और के क्या अकेले गए? नरेश से है उम्मीद है कुछ? उम्मीद है कुछ नरेश? हाँ बेटा है। कौन है ये नरेश यादव? नहीं है कौन, अकेले गए? कौन से गाँव से आप? हाँ तो खेड़ी से है। आप खेड़ी से? वो तो डाणा खुर्द से है। के बात तो हमारा बेटा है। आपका बेटा है, इतनी दूर प्रेम आपका जो है वो एक माँ की ममता के प्रति आप बोल रहे हो। और क्या जी, इसमें क्या लगा है उसका कि मैं है कुछ बंदा? सही है, बंदा सही है जी, सही है। दे दोगे साथ? हाँ साथ देवांगे। आज इनके सर पर पगड़ी बांध दी, कल उनके सर पर बांध दोगे? बांध देंगे जी, बांध देंगे, बांध देंगे। आपका क्या नाम है? अनीता जी। आए थोड़ा सा आगे आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप कौन से गांव से हो? गगनखेड़ी से जी। गगनखेड़ी से हो आप भी? महिलाएं काफी एक बड़ी, जो महिलाओं का जो विश्वास होता है ना, क्योंकि जो जेंट्स तो क्या पता किस लोभ में आके क्या बोल रहे हैं। आप खुले दिल से आप ये बताइए, नरेश यादव में है कुछ विश्वास? हाँ जी, मैं तो उनके साथ मिली हुई हूँ, अभी भी 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, वहाँ गई थी मैं। घर के काम नहीं करते? घर के काम भी करते हैं जी, फिर मीटिंग हो जब तो जानते हैं। किसके लिए इकट्ठा हो रहे सारे? नरेश यादव के लिए जी। नरेश यादव कौन है? नरेश यादव, नरेश यादव एक भाई है, डाणा खुर्द है जी। जानते हो आप उनको? जाना हाँ जी। काम कुम भी करवाओ कुछ? बहुत काम करवाओ। उसके रीपे तो में बने हैं, रीपे काम किस तरह करवा दिए? चर्चा तो बहुत फैल रही है, काम तो बहुत करवा रखे और चर्चाएं फैल रही है बहुत। किस प्रकार की चर्चा फैल रही है? उसकी गुणा की फैल रही है। गुणे के गुण है? गुण क्या? सारे गुण कर रखे हैं। अच्छे काम करे? अच्छे काम कर रखे, बहुत कर रखे। नरकटा जान लग रहा है और करेगा, विश्वास है उस पर? पूरा विश्वास है, दिल तो विश्वास है जी। मौका मिलना चाहिए इस बार जरूर, लग जाएगी, मिल जाएगा जरूर, मिलेगा जी। अरनाल लगाएंगे जी। अच्छा हाँ, जब वो मान लो हो जाए चुनाव में खड़ा हो जाए, जीत जाएगा? हाँ जी पूरा पक्का, पूरा जितावांगे जी। ये देखियो और भी है ना इधर, देखिए काफी एक बड़ी बड़ी जो महिलाएं हैं, ये एक और बहन जी है, ये डायरी डूरी ले रही, क्या हिसाब लिख रखा है जी? ये महिलाओं के कॉन्टेक्ट नंबर है जी, जो नरेश की टीम में इच्छुक है जाने के लिए। कितने लोग जुड़ गए टीम नरेश में? कोई मायने नहीं रखता जी, जुड़े हुए सीमा ही नहीं है, इतने लोग जुड़े हुए हैं। इतने लोग जुड़े हुए हैं, वो आप देख रहे हो? वो तो मैं देख रहा हूँ, जो महिला है ना सारा अपना काम काज जो छोड़ छोड़ के, ये तो काम का टाइम होता है जी, 1 घंटे से इंतजार में बैठी है महिला, अपना सब कुछ काम वगैरह छोड़ के 1 घंटे से इंतजार में बैठी। नरेश यादव की अगर हम बात कर लें तो है उस बंदे में कुछ यूँ दम वाली बात? दम क्या जी, वो तो पूरे अपने इंडिया में नाम गुंजा हुआ उनका, तो इंडिया में गुंजा दिया, हांसी को कांसी बना रहे हैं वो। बना दोगे? हाँ जी बना दिया जी, बनाएंगे। आप कुछ बताएंगे उनके बारे में कैसा? नरेश यादव बहुत अच्छे इंसान है और सबसे ज्यादा उसको महिलाओं को आगे लेने के जाने की उसमें दिल से भावनाएं हैं और बहुत सारे काम किए नरेश यादव ने, पूरा ढाणा खुर्द चमका दिया, हासी को कासी बना देगा, सब कुछ किया नरेश यादव ने और महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है नरेश। यानी कि इस बार जो उम्मीदें हैं ना वो सारी की सारी नरेश यादव से जुड़ चुकी हैं? हाँ, नरेश यादव से जुड़ चुकी हैं सारी महिला शक्ति, नरेश यादव के साथ है और दिल से साथ है हम नरेश यादव महिलाओं के लिए और नरेश यादव ने जो कल नोतर बुलाया है उसके लिए। चाची ताई कट्ठी ओलो, चाची ताई कट्ठी ओलो, नरेश यादव ने बुलाए से, नरेश यादव ने बुलाया से, कट्ठी हो के हंसी जालो, कट्ठी हो के हंसी जालो, फुआरा चौके पे बुलाया से, फुआरा चौके पे बुलाया से। महिलाओं ने तो ना गीत बना दिए यहाँ पे, इस प्रकार का जो एक उम्मीदें हैं लोगों की, मैंने सभी से मैंने बात करी, इन उम्मीदों को किस तरह पूरा करोगे जी? बिल्कुल देखो, काम टीम नरेश कर रही है और जो लोगों की उम्मीदें हैं हम
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उन पे खरा उतरने की, और जो इनका विश्वास है ताकि हमारे ऊपर बना रहे, हम इन लोगों के बीच में रहेंगे, इन्हीं के साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल का जो आयोजन है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीम नरेश के लोग तो जैसे तालियां जो है वो लगातार बज रही है, कहीं ना कहीं जो नरेश यादव है उनके ऊपर पूरे का पूरा इन लोगों की जो उम्मीदों का जो बोझ है वो धीरे धीरे और भी भारी होता जा रहा है। आप क्या मानते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरा नाम है मुकेश माई, कैमरामैन सहयोगी साहिल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।